यार ओके, आपको पता है निक वाले ऑगी एंड कार्टून नेटवर्क वाले ऑगी में एक बहुत ही छिपी हुई यूनिक डिफरेंस है जिसे लिटरली 99% लोग जानते ही नहीं होंगे। और आज इस वीडियो को देखकर आपको इंडियन डोरेमोन एंड जापानीज डोरेमोन का सबसे बड़ा डिफरेंस पता चलने वाला है जिसके बारे में हम इंडियंस ने शायद ही कभी सोचा होगा। तो यार कार्टून दुनिया का हर एक बच्चा देखता है, लेकिन आप कहां रहते हो इसके हिसाब से सेम कार्टून भी कई ही बार चेंज हो जाते हैं। और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपके फेवरेट कार्टून एंड एनिमे आखिर दूसरे कंट्रीज में कैसे दिखते हैं। तो यार चलो टॉम एंड जेरी किस बीट पर हम व्हाट द फैक्ट किस वीडियो को रिपीट करते हैं। ऑगी एंड द कॉकरोचेस। भैया रे चलो इस वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं इस बागड़ बिल्ले एंड दुनिया के पापा से। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। अगर आपने कभी सही से गौर किया होगा तो आपको दूसरे कंट्रीज में नहीं बल्कि अपने ही कंट्रीज में इन दोनों चैनल्स में ही इनमें यूनिक चेंजेस मिल जाएंगे। देखो जब ऑगी इंडिया में पहली बार 2009 में निक पर लॉन्च हुआ था तो उसके वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे सौरभ चक्रवर्ती और उन्होंने खुद ही सारे कैरेक्टर्स के वॉइस को सेलिब्रिटी के वॉइस में कन्वर्ट करके फनी डायलॉग्स के साथ हमारे सामने इस वाले ऑगी को प्रेजेंट किया था। अरे तुझे क्या, मुझे भी भूख लगी है भैया, बकला गया मैं। तूने मुझे मारा है। अब जब 2012 में कार्टून नेटवर्क पास ऑगी के राइट्स आए तो उन्होंने इसको संजय केनी से फिर से रीडअप करवाया जिसमें सारे कैरेक्टर्स के सेलिब्रिटी वॉइसेस सेम ही थे, हाँ बस उनकी टोन थोड़ी सी चेंज थी। आई जस्ट लव स्विमिंग, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, टक टक टपोरी टपलू मेरा नाम, भाई लोग टेंशन लेने का नहीं। भाई अगर मैं इन दोनों अलग अलग वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में ना बताता तो शायद ही आप में से कोई निक वाले ऑगी एंड कार्टून नेटवर्क वाले ऑगी के वॉइसेस में सटल चेंज को एक्सपीरियंस कर पाते। अब हाल ही में जब 2021 में सोनी एक लिए ऑगी के न्यू सीरीज को रीडअप किया गया तो उसमें मूवीन सौदागर ने रीडअप करके कई चेंजेस किए हैं। लाइक नरेटर की वॉइस जहां पहले दोनों ही सीरीज में नाना पाटेकर की थी वहीं इस सीरीज में से किसी दूसरे एक्टर से बदल दी गई है। आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगा, ये मजदूर कहां देगा क्या? इतनी बार बोला तो पीछे सांप पीला काटेगा। डोंट एग्री मी, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। निंजा टर्टल। हीरो सीरीज के माइकलैंगो के क्लासिक ननचक्स को कौन भूल सकता है, भाई सच में सबसे बेस्ट वेपन था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्रेट ब्रिटेन के लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि वहाँ पर ननचक्स को रिप्लेस करके एक अजीब सा कछुए जैसा वेपन इसे दे दिया गया था ताकि यह ज्यादा वायलेंट न लगे। दरअसल ब्रिटेन का भी जापान के साथ काफी ज्यादा बैड पास्ट रहा है जिसकी वजह से शो के मेकर्स को कहा गया था कि अगर इसे ग्रेट ब्रिटेन में लॉन्च करना है तो ननचक्स के सिवाय किसी दूसरे वेपन का यूज करना पड़ेगा और इसलिए क्रिएटर्स को ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना न करना पड़े इसे उन्होंने एक बिल्कुल ही नया वेपन तैयार करके दे दिया था। अब जब इन पॉपुलर कार्टून्स की बात हो ही गई है तो हम अपने उस पॉपुलर एनिमे को कैसे भूल सकते हैं जिसने हमारे बचपन को गैजेट्स की रंगीन दुनिया से भर दिया था। हाँ भाई मैं डोरेमोन की ही बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्टून एंड एनिमे का वो कौन सा कैरेक्टर है जिसकी सबसे भयानक आवाज है तो आप में से लगभग सारे ही झट से इस लाल वाले का नाम लेंगे। पर क्या आपको पता है कि एक्चुअली में हमारा हिंदी वाला जियान बहुत सुरीला गाता है दोस्तों। और ये आप भी कहने वाले हो जब आप मैं हूँ जियान वाले गाने का ओरिजिनल जापानीज वर्जन को सुनोगे। क्यों अब आप भी कमेंट करने वाले हो ना, आफ्टर लिसनिंग जापानीज वर्जन आई फील हिंदी में जियान का गला सच में सुरीला था। तो यार वेट किसका कर रहे हो, कर दो अपना मनचाहा कमेंट। और वैसी बात पर इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कुछ तरीका है भीख मांगने का। एडवेंचर टाइम। यह कार्टून आप में से कुछ लोगों को तो याद ही होगा, यह कार्टून काफी ज्यादा ब्रिलियंट था और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। लेकिन क्या आपको पता है कि चीन में यह कार्टून नहीं चलता है? पर यार इसका मतलब ये नहीं कि चीन में यह कार्टून सच में नहीं चलता है। इन चलाक चीन वालों ने अपनी कंट्री में इसका अपना रिप ऑफ वर्जन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ लकी पाई। इसके बस कैरेक्टर डिजाइन और कुछ कैरेक्टर्स को छोड़कर पूरी यह स्टोरी, इसका थीम और कैरेक्टर की पर्सनैलिटी एकदम सेम टू सेम है। यानी कि अगर आप चीन में जाओगे तो आपको एडवेंचर टाइम कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। 这里全是石头呀，什么声音？好像是一只山鸡野怪。Chance ऐसा कार्टून नहीं है, ऐसे कई सारे कार्टून है जिनके साथ चीन ने कुछ ऐसा ही किया है। रैटाटुई। वैसे तो यारो अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से इस एनिमेशन में भी काफी चेंजेस किए गए थे जैसे कि लैंग्वेज और कई इंपॉर्टेंट साइंस। लेकिन कुछ कंट्रीज में तो रैटाटुई रैटो टोइंग के नाम से रिलीज किया गया था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम में ही फर्क था बल्कि इसके एनिमेशन स्टाइल और थोड़ी बहुत स्टोरी में भी चेंज कर दिया गया था। यानी कि यहां पर एकदम अलग ही एनिमेशन को लॉन्च किया गया था। पर अगर आप इसे कभी देखोगे तो आपको यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी कि यह यही ही है, बस इसे इसमें चेंज कर दिया गया है। अच्छा हो यारो, इतनी कार्टूनिक इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ कार्टूनिक मीम्स एंड मस्ती तो बनती है ना। तो यारो इस बार स्टार्ट करते हैं जेरी किस रियल हाउस से जो भाई लिटरली कितना क्यूट दिख रहा है यार। फर्स्ट पर्सन वो लॉस्ट देयर जॉब बिकॉज ऑफ एआई। मिस्टर मैकेनो हियर इज टेकिंग योर जॉब। हेलो
है। अरे भाई बस यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ही फर्स्ट बिल्ला लिखना चाहिए। Me after seeing my friends after a long time. Nice. आलू आटा आलू पराठा। भाई आलू पराठा के साथ ऐसा मत करो यार, ये हम इंडियंस का फेवरेट चीज है भाई। 10-year-old me after losing mom in supermarket. Minamma! 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 हाँ भाई इसके बाद वो पिटाई वाला सीन भी दिखाई देता है क्योंकि ऐसे सिचुएशन के बाद क्या होता है सबको पता है। सबको लगता है हमारे घर में भूत है एंड द रीजन बिहाइंड इट। भाई वीडियो के स्टार्टिंग में जेरी बीट बना रहा था और वीडियो के एंड में रियल वाला जेरी बीट बना रहा है। तो यार आज किस वीडियो के लिए इतना ही था। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके जरूर से देख लेना, और अगर ये देख लिया तो आपके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।